कन्नौज जिले की तिरबा कोतवाली इलाके में एक प्रेमी जोड़े का विवाह पुलिस कर्मियों ने कोतवाली में ही करवाया। बताया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े के प्रेम को उसके परिवार वालों ने मानने से इनकार कर दिया तो दोनों प्रेमियों ने पुलिस का सहारा लिया। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद दोनों परिवार तैयार हो गए, किसी प्रकार की घटना न हो इसके चलते पुलिस कर्मियों ने दोनों प्रेमियों की शादी कोतवाली परिसर में बने मंदिर में करवा दी। मामला कन्नौज और इटावा जनपदों से जुड़ा हुआ है। इटावा जनपद निवासी पंकज कन्नौज के तिरबा कोतवाली के सखौली गांव निवासी अन्नू से प्रेम करता है। प्रेमी पंकज अन्नू से मिलने के लिए तिरबा आया था, तभी उसको प्रेमिका के परिवार वालों ने पकड़ लिया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने जांच में पाया कि प्रेमी प्रेमिका बालिग हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए दोनों परिवारों के परिजनों पर सख्ती की तो परिवार शादी के लिए राजी हो गए। प्रेमी ने बताया कि पुलिस ने उनके विवाह कराने में बहुत सहयोग दिया, वहीं प्रेमिका भी पुलिस के इस कदम से खासा खुश नजर आई। हो गया था फिर यहाँ शादी करवाएगी, कैसे हुई शादी? पुलिस की वजह से। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। यहाँ शादी करने की क्या वजह पड़ गई? करवा ले राजी नहीं थे लड़के, तो उसका मामा घर पे आए थे तो लड़की भाई आई है, सब लोग मुझे लेके आए, समझाया और फिर यहाँ फोन नंबर पर फोन कर दिया मामा ने, और यहाँ पर पुलिस वाले ने मुझे बंद कर दिया। तो फिर बंद करने के बाद उन्होंने हम लोगों से दोनों लोगों की राय लेने के बाद फिर उन्होंने कहा अगर दोनों लोग राजी हैं तो शादी हो जाएगी। लड़की राजी थी और हम भी राजी थे, पुलिस वालों की वजह से हमारी शादी हो गई। वहीं पुलिस ने बताया कि डायल 100 पर सूचना मिली थी कि सखौली गांव में युवक को बंधक बनाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। जांच में मालूम हुआ कि मामला प्रेम प्रसंग का है, दोनों बालिग हैं, इस कारण दोनों परिवारों को समझाकर उनकी शादी करा दी गई। जी सर, क्या मामला रहा जो आज कोतवाली में शादी हुई? सर रात में 100 नंबर पर सूचना आई थी, किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी कि सखौली गांव में अनु नाम की एक लड़की है, उसके परिजनों ने जो है किसी लड़के को बंधक बना लिया है। इस सूचना पर थाना पुलिस गई थी और दोनों ही परिवार के लोगों को झगड़े की आशंका के दृष्टिगत थाने लाया गया था। यहाँ पर आकर जानकारी हुई कि लड़का लड़की के प्रेम प्रसंग का मामला था और दोनों ही बालिग थे। फिर उसके परिजन और गांव के गणमान्य लोग आपस में बैठ करके सभी ने उनका विवाह तय कर दिया और आज सभी की सहमति से इनकी शादी हो गई। शादी करने के उपरांत सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं, अब कोई विशेष बात नहीं। ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए कन्नौज से अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट।